बेगूसराय में वीरपुर प्रखंड के भवानंदपुर पंचायत भवन में सोमवार को स्वच्छता पर्यवेक्षक हेतु आम सभा आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुखिया दीपक कुमार ने की। इस आम सभा में स्वच्छता पर्यवेक्षक चयन की नियमावली लोगों को बीच पकड़ सुनाया गया। मुखिया ने बताया कि सभी अर्हताएं को पूरा करने वाले अभ्यर्थी विजय कुमार को भवानंदपुर पंचायत के लिए स्वच्छता पर्यवेक्षक पद पर चयन किया गया। उन्होंने बताया कि इस पद हेतु कुल 9 अभ्यर्थी आवेदन जमा किया था। मौके पर उपप्रमुख सुबोध पासवान, एसबीएम के प्रखंड समन्वयक प्रियव्रत आजाद, सरपंच राजाराम पासवान, पंचायत सचिव शैलेश कुमार, ग्राम कचहरी के सचिव रणधीर कपूर, उपमुखिया प्रतिनिधि संतोष पासवान, वार्ड सदस्य बबीता देवी, अजीत कुमार, अमित कुमार, वार्ड प्रतिनिधि दीपक कुमार साह, रामाधार पासवान समेत कई जनप्रतिनिधि व सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। बेगूसराय से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आज स्वच्छता पर्यवेक्षक की बहाली के लिए आम सभा रखी गई थी, जिसमें सारे ग्रामवासी और हमारे पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। हमारे ब्लॉक के पदाधिकारी विश्राम साहब भी आए और अन्य पंचायत कर्मी भी उपस्थित रहे और ग्राम सभा के माध्यम से चुनाव नहीं इसका एप्लीकेशन लिया गया था। कुल 9 आवेदक थे, 9 आवेदक में विजय कुमार को उनका सारी कागजात देखने के बाद वो अर्हता को पास किए और इस तरह से श्री विजय कुमार को स्वच्छता कर्मी के रूप में पंचायत द्वारा बहाल किया। क्या नाम है आपका?